अस्सलामुअलैकुम। आज बना रही हूँ आलू टिक्की, इसे आप घर पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी हुई है, तो आप देखेंगे इसे बनाने का तरीका। 250 ग्राम आलू को बॉईल करके शरेड कर लेंगे, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टेबल स्पून बटर, 2 से 3 बारीक चॉप्ड की हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया इसे बारीक चॉप्ड कर लेंगे, और 1/2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक चॉप कर लेंगे, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, सॉल्ट टू टेस्ट और 1/2 लेमन जूस। अब इन सारी चीज़ों को आलू में ऐड कर लेंगे। इस तरह से रेडी कर लेने के बाद अब इसे फ्राई कर लेंगे, और टिक्कीज को प्लेट पर रखने से पहले थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डस्ट करेंगे प्लेट पर ताकि ये चिपके नहीं। अब इसे फ्राई कर लेंगे। अब एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम कर लेंगे, इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे, इसे शैलो फ्राई करेंगे। अगर डीप फ्राई करेंगे तो इसमें पूरा तेल एब्जॉर्ब हो जाएगा और आलू टिक्की एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, टूट जाएगी, इसलिए इसे शैलो फ्राई करेंगे। अगर नॉन स्टिक तवा यूज़ करेंगे तो बेटर है क्योंकि इसमें चिपकेगा नहीं। अगर दूसरा तवा यूज़ करेंगे तो फिर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा वरना उसमें चिपक जाएगा। और स्लो कुकिंग नहीं करेंगे, स्लो कुकिंग में भी ऑयल एब्जॉर्ब कर ले, इसीलिए फ्लेम थोड़ी हाई रखेंगे। जब एक तरफ इस तरह से कलर आ जाएगा इसका तो इसे टर्न कर लेंगे और दोनों साइड इसी तरह से गोल्डन फ्राई कर लेंगे। अब दोनों साइड से ये फ्राई हो गई है तो मैं इसे डिश आउट कर लूँगी और इसी तरह से सारी टिक्कीज फ्राई कर लूँगी। अब मेरी रेसिपी रेडी हो गई है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।